गुजरात, यहाँ नवरात्रि का स्वागत दांडिया रास यानी गरबा से होता है। यह गरबा हमारे पूरे भारतवासियों के दिलों पे राज करता है। ऐसे ही गुजरात का प्रदर्शन करने जा रही है हमारी सहेली सुमन। यह एक बड़ा समुद्र तटीय राज्य है जिसे लैंड ऑफ कोकोनट भी कहा जाता है। यहाँ ओनम फेमस फेस्टिवल है। ऐसे ही केरल की यादें ताजा करने आ रही है हमारी तटरक्षिका पुष्पा। आगरा में हमारी यादों की जगह विशाखापट्टनम, यह वैसे तो मंदिरों के लिए, पर्यटन के लिए साथ साथ भारतनाट्यम के लिए जाना जाता है। ऐसे ही एक छोटी सी कोशिश करने जा रही है हमारी सबसे एंगेस्ट सहेली दिव्या। जहाँ पास में ही अपने प्यारे कन्हैया का जन्म स्थान है मथुरा। ऐसे ही नटखट कृष्णा का दर्शन कराने जा रही है हमारी दोस्त पिंकी। तालियां बजाओ, मैं दोनों चीज आते हैं। तमिलनाडु में हमारा कोस्टल एरिया चेन्नई, जहाँ से हमें तमिलनाडु का दर्शन होता है, जहाँ से इडली डोसा जैसे साउथ इंडियन फूड का हमें आस्वाद मिलता है। ऐसे ही साउथ इंडियन फ्यूजन को प्रेजेंट करने जा रही है हमारी सहेलिया। बंगाल में हल्दिया कलकत्ता, जहां हमारा तटरक्षक परिवार बसा हुआ है, जहां के रसगुल्ला से सभी प्यार से पसंद करते हैं, जहां से हमें दुर्गा माँ और काली माँ का दर्शन होता है। ऐसे ही बंगाल के मधुर गाने पे थिरकने जा रही है हमारी प्यारी सखी रजनी। ढक बजा का शर्मा जा,
उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल और देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरांचल यह जगह तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए विशेष महत्व रखता है, जहाँ चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री का दर्शन होता है। ऐसे ही उत्तराखंड को पेश करने जा रही है हमारी प्यारी दीदी मीनू। हमारे छोटे से प्रेजेंटेशन से अपनी पुरानी यादों को ताजा किया होगा। इन्हीं यादों के साथ मैं आपको